आ गई उर्मिला। हाँ। लो भैया लड्डू खाओ। हाँ, खाओ खाओ, तुम भी खाओ। लो। भाई वाह, बहुत स्वाद लड्डू है। देखो उर्मिला के घर का लड्डू है, स्वाद है कि नहीं? अरे तो तुम भी कभी ऐसे स्वाद लड्डू बनाने की कोशिश करो करो, है? हमेशा पत्थर के टुकड़ाने दलाओ प्लेट में। सच्ची में शुभ शुभ बोलो जी, ऐसे मौके पर पत्थर की बात कर रहे हो। वैसे जिंदगी में पहली बार तो पहली ही बार में कोई ढंग का रिश्ता लेकर आए हैं। हाँ भाभी ठीक कह रही है, अब गुस्सा छोड़ो और लड्डू खाओ। हाँ लड्डू तो खा लेंगे, देख उर्मिला ये एक लड्डू से अपना काम ना बने को। हाँ अरे एक दो लड्डू तो हमारी दाढ़ भी हट जाए ससुरे। तो एक खाने को कौन कह रहा है, पूरी प्लेट आपके लिए। जो सारे लड्डू हमारे पास थे। फिर तो है को काम। क्या कर रहे हो, कुछ अटक गया? सुमन सुमन देख उर्मिला, लड्डू भी हम खाएं, खुशी भी हम मनाएं, पर जे विचार कौन करेगो कि लड्डू में पत्थर की तरह से आके विराजमान है गई है ये सुमन देवी अपने प्रांजल के माथे पे। पर भैया सुमन का प्रांजल से क्या मुकाबला? कोई मुकाबला ना भाई, हमारी नजर में तो कोई मुकाबलो ना है बांके बिहारी लाल की कृपा से, पर वे लोग तो करेंगे मुकाबलो है। वे तो हमसे पूछेंगे कि भाई मनोहर लाल एक बात बताओ, जब बड़ी लड़की घर में कुंवारी बैठी है तो छोटी लड़की के रिश्ते को क्या मतलब है? ये बात तो है दीदी। और बात भी छोटी मोटी ना है, बांके बिहारी लाल के गोवर्धन पर्वत जितनी बड़ी है, हटानी पड़ेगी, बीच में से हटानी ही पड़ेगी उर्मिला। ये किसे हटाने की बात चल रही है? तेरे दुश्मनों को। कितनी खूबसूरत लग रही है प्रांजल, सचमुच दीदी इसे काला टीका ही लगा दो कहीं नजर न लग जाए। What nonsense, my makeup will get spoiled. अच्छा अच्छा लल्ली ने अंग्रेजी में डांटना सीख लियो है, आजकल के दूल्हा अपनी दुल्हन से अंग्रेजी में ही डांट खाओ करे उर्मिला। ये क्या बात चल रही मामा? प्रांजू तू अभी भी नहीं समझी, तेरे रिश्ते की बात चल रही है और तेरे मामा तेरे लिए रिश्ता लेकर आए। What nonsense, मामा यार क्या कर रहे? हम कौन है करता धरता, तो वो है बच्ची बांके बिहारी लाल, वही करवा रहा है हमसे। एक मिनट मामा, ये बांके बिहारी को आप अपने पर्सनल मामों में लाइए, मेरे पर्सनल मामले में बांके बिहारी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, शादी मेरी है और रिश्ते की बात आप करेंगे। अरे तो लल्ली तू गुस्सा क्यों करो करे, देख अभी तो बात छेड़ी है, बात जम जाएगी तो देखेंगे। भाई हाँ तो हम तभी करेंगे ना जब हमारी लल्ली हाँ करेगी, है कि ना? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि शादी मुझे करनी है और जब तक मैं लड़के से नहीं मिलती, मैं उसे पसंद नहीं करती, कुछ नहीं हो सकता। You can't go ahead. हाँ तो ठीक है ना, यहाँ में क्या बात है? अरे लल्ली तेरे लिए लड़को भी अच्छा ढूंढेंगे और घराना भी अच्छा ढूंढेंगे। हाँ मुझे घराना बनाने से कुछ नहीं करना है, मुझे तो लड़के से मतलब है। हाँ तो ठीक है कोई बात ना। अरे लल्ली लड़को भी इतना अच्छा मिलो है कि बस पूछो मत, कोई लड़की रिजेक्ट ही ना कर सके। आएगो तो देख ले, तू भी देख लीजो। What? लड़का मुझे देखने आएगा? What is this mommy? जी नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि लड़के से मैं मिलूंगी और वो भी घर में तमाशा बनकर नहीं, इनफैक्ट किसी रेस्टोरेंट या किसी थिएटर में मिलूंगी मैं उससे। बेटी लड़का ही लड़की के घर आता है और तेरे मामा तो उसे इनवाइट भी कर रहा है, अब ये तो दस्तूर है। दस्तूर माय फुट, आप लोगों को जो करना है कर लीजिए, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए कि जब तक मैं लड़के से नहीं मिलती और मैं उसे पसंद नहीं करती, आप लोग कोई डिसीजन नहीं ले सकते। Is that clear? अरे पर लल्ली